19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के दो जवान थे प्रमोद और जावेद दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और चार अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, चार अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद दो अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि वो जेल गया था। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिशकर्ता था, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है, और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। तो आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक स्थान पर जो कि दिलदार नगर जमनिया रेलवे ट्रैक के साइड में, वहां से फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है। तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर, जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा एसटीएफ की यूनिट एवं जीआरपी वहां पहुंचे, उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें दो जवान पुलिस के घायल हुए और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले सीएससी पर ले जाया गया। वहां पर इससे इसको फिर रेफर किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहां पर आए हैं। तो वहां यहां पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है, और जिसमें इस मुठभेड़ के उपरांत इसकी मृत्यु उसमें हुई है। तो अन्य वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। इस गैंग के कुछ और सक्रिय सदस्य हैं, जो कि अवैध रूप से विभिन्न रेलवे मार्गों पर रेल के माध्यम से शराब तस्करी करते हैं, उन पर भी हम लगातार सक्रिय दृष्टि बनाए हुए हैं और उन पर भी जल्दी कठोर कार्रवाइयां की जाएगी। सर, इसके पास से कुछ रिकवरी भी हुई? हाँ, इसके पास से हथियार मिले, 32 की पिस्टल मिली है और एक और असला मिला है, उसकी जाँच अभी की जा रही है। और इसमें अभी हम लोग और लगे हैं, इसमें अभी काफी काम करना इसमें बाकी है। अभी इस पूरा जो गैंग है, जो इस तरह की मूवमेंट करता है शराब का और इस तरह की घटनाएं कारित करता है, उसके विरुद्ध अभी हम लोग और भी कठोर कार्रवाइयां भविष्य में करेंगे। इंजर्ड कांस्टेबल वगैरह की स्थिति क्या है? अभी दोनों ठीक है, दोनों अंडर ट्रीटमेंट है, सीएससी में उनका इलाज चल रहा है और अभी उसमें उनका एक्सरे वगैरह भी उनका होना है और उनको भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लाके उनके एक्सरे वगैरह कराए जाएंगे, ताकि कोई भी गोली या पैलेट कोई उनके उसमें बॉडी में ना हो, उसको उनका विस्तार से पूरी फुल बॉडी चेकअप उनका कराया जाएगा। मुठभेड़ में ढेर बदमाश थे, इनाम था, इस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था और इसमें एसटीएफ नोएडा, जनपद गाजीपुर पुलिस, थाना गहमर और जीआरपी के द्वारा आज मुठभेड़ के उपरांत ये घायल हुआ और उसकी मृत्यु यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में आने के उपरांत डॉक्टर ने डिक्लेयर की।